गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सीरम आयरन टेस्ट की कि आयरन की मात्रा हमें ब्लड में क्यों करवानी है, कितनी नॉर्मल होती है, बढ़ने का कम होने का क्या मतलब है। तो सीरम आयरन जो टेस्ट होता है उसमें सीरम के अंदर ब्लड के अंदर आयरन की कितनी मात्रा है। अब ये ब्लड में जो आयरन रहता है 90% तो ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड रहता है और 10% ये सीरम फ्रेटिन के साथ बाउंड रहता है। तो ओवरऑल जितनी आयरन की मात्रा ब्लड में है ये इस टेस्ट से पता की जाती है। आयरन है क्या, एक तरीके का ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस मिनरल है, जो कि आरबीसी को बनाने के लिए, मांसपेशियों को बनाने के लिए और बोन मैरो के लिए जरूरी होता है। तो मतलब शरीर में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो आयरन की कमी से काफी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन खून की कमी होना जिसको एनीमिया बोलते हैं वो एक प्रमुख वजह है जिसके कारण सीरम आयरन की मात्रा देखते हैं। और अगर ब्लड में आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाए या शरीर में आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिपॉजिट होगा, वहां पे जमा होगा और उसको खराब करेगा, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, इसके अलावा पैंक्रियाज है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। तो ये दो कंडीशन को देखने के लिए सीरम आयरन कराया जाता है। अब इसमें जो सैंपल देना है आपको, ब्लड का सैंपल लैब में देना है जिसमें से सीरम ले लिया जाता है, और सुबह का सैंपल देना अच्छा रहता है, प्रिफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है, आप दूसरे समय भी दे सकते हैं, पर सुबह देना इसलिए अच्छा रहता है कि आयरन की जो मात्रा है वो डायरनल वेरिएशन शो करती है, मतलब दिन के अलग अलग समय पे अलग अलग लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो मॉर्निंग का देना बेहतर रहता है। और जो आयरन की अगर आप टेबलेट वगैरह खा रहे हैं तो उसको 24 घंटे पहले से बंद कर दे, क्योंकि उससे फिर सही इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा कितनी है। तो ये सीरम आयरन के लिए जब आप टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट देंगे, तो ये दो बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। ये जो लैब में जांच होती है, अगर इसके प्राइस की बात करें कि कितने में होती है, तो लगभग ये 300 से लेकर 350 के बीच की जांच है। लेकिन जब ये जांच आपको लिखी जाएगी तो दूसरे भी जांचें लिखी जाएंगी, क्योंकि सीरम आयरन सिर्फ अकेले कोई नहीं करवाएगा। सीबीसी की जांच है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, सीरम फ्रेटिन है, विटामिन बी12 की मात्रा है, इस तरह की और भी जांचें हैं ताकि हमें ओवरऑल इसकी पिक्चर मिले कि किस तरह का एनीमिया है। बहरहाल इसके अगर ब्लड में मात्रा की बात करें कि नॉर्मली कितना होता है, तो 50 to 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है। अगर 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रहा है, इसका मतलब है कि शरीर में खून की कमी है, और अगर 150 से ज्यादा अगर हो रहा है तो ब्लड में आयरन की मात्रा बढ़ गई है। अब आयरन की मात्रा अगर आपको कम मिल रही है, जैसे आपने टेस्ट कराया और मात्रा 50 से कम आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। अब ये आयरन की कमी कम खाने की वजह से हो सकती है, पेट में माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ गई है, जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में होता है या लैक्टेशन केस में जब महिलाएं अपने बेबी को मिल्क पिलाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आयरन की कमी हो सकती है। इस आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। तो इंडिया में बहुत कॉमन बात है कि आयरन की कमी के कारण खून की कमी हो जाना, जिसके लिए ही ये बेसिकली टेस्ट कराया जाता है। हाई लेवल की बात करें कि ब्लड में आयरन की मात्रा तब बढ़ेगी जब अगर किसी को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो आरबीसी आता है उसमें आयरन होता है, तो शरीर में आयरन बढ़ जाएगा। या तो कोई आयरन की बहुत सारी टेबलेट्स खा रहे हैं, या तो लीवर की बीमारी है, या सिट्रोप्लास्टिक एक एनीमिया होती है जिसमें आयरन बढ़ जाता है, लेड पॉइजनिंग है, और हीमोक्रोमेटोसिस है जिसमें आयरन आदमी से ज्यादा जाप होने लगता है। तो कुछ कंडीशन में आयरन बढ़ा भी मिल सकता है, पर ज्यादातर बार करवाने का जो मेन मकसद ये रहता है कि शरीर में आयरन की कमी है कि नहीं, और दूसरे भी टेस्ट किए जाते हैं ताकि ओवरऑल में पिक्चर मिले कि किस टाइप का एनीमिया है, फिर उसका ट्रीटमेंट हो पाए। तो जैसे अगर ये टेस्ट की बात करें कि किन लोगों को कराएंगे, कौन से ऐसे लोग रहेंगे, तो पहला तो ऐसे लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि इनको आयरन की कमी हो सकती है, हाई रिस्क पे है तो आयरन की कमी हो सकती है, उसके लिए आयरन की टेस्टिंग करा ली। दूसरा ऐसे लोग हो सकते हैं जिसको सीबीसी टेस्ट कराया और जिसमें साइन मिल रहा है कि आयरन की कमी हो सकती है। आयरन की कमी का साइन सीबीसी में होता है कि जो आरबीसी होता है उसका नंबर कम हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसको हम लोग माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। और ज्यादा आयरन के एक्सेस के भी साइन अगर मिलते हैं तो भी आयरन की मात्रा करा सकते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में पेन है, पेट में दर्द है, कमजोरी लग रही है, शरीर में से बाल वगैरह झड़ रहे हैं, तो ये सारे साइन है कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम हो रही है, तो उस केसेस में ये टेस्ट कराया जा सकता है। बहरहाल जो प्राइमरी यूज है या ज्यादातर बार जब कराया जाता है तो सिर्फ ये देखने के लिए कराया जाता है कि आपके शरीर में खून की कमी जो हो रही है वो आयरन की कमी के कारण हुई है कि कोई दूसरे कारण है। दूसरे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की बात करें, जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण खून की कमी हो जाना, या बोन मैरो की बीमारियां हैं, या विटामिन बी12 है, इन कारण से तो खून की कमी नहीं हुई। तो सीरम आयरन टेस्ट का ये मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया, वैसे ये जब जांच होगी तो सीरम आयरन भी होगा, सीरम फ्रेटिन भी होगा, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, सीबीसी की जांच होगी, विटामिन बी12 भी कराया जाता है, फोलिक एसिड भी कराया जाता है, इन्फेक्शन के भी मार्कर कराए जाते हैं, ओवरऑल पूरे बहुत सारे पैनल रहते हैं ताकि हमें पिन पॉइंट पता चल सके कि किस कारण से ये खून की कमी हो रही है, फिर उसका इलाज हो पाएगा। तो जैसे सीरम आयरन की कमी हो रही है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी, इस केसेस में आपको या तो आयरन की टेबलेट खाएं या तो ऐसे खाने गए जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है।
या तो आयरन की कमी होने के दूसरे कारण को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, कहीं आपके पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो ब्लीडिंग वगैरह तो ज्यादा नहीं हो रही है, हाथ से ब्लीडिंग हो सकती है या पेट से ब्लीडिंग हो सकती है, जो पेशाब का रास्ता है वहां से खून जा सकता है, मुंह से खून की उल्टियां हो सकती है। तो इस तरीके से सीरम आयरन टेस्ट का मतलब है और इससे हमें इस तरह से बीमारी को या खून की कमी को पता करने में मदद मिलती है। थैंक यू।